हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नया साल मनाने के लिए हिमानी अपने परिवार के साथ गांव जाती है। गांव में पले बड़े होने के कारण उसे गांव का माहौल बहुत अजीब लगता है। एक रोज शाम के समय सभी घर के बाहर सर्दियों से बचने के लिए आग जलाकर बैठे होते हैं। तभी वो अपने हाथ मसलते हुए वहाँ आती है तो उसकी दादी कहती है, आवा आवा बिटिया, इले मूंगफली खा। नहीं दादी, शाम हो गई है, मूंगफली खा लूंगी तो मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। तुम शहर के लोगन बड़े कमसीन हो तो बताओ, भला मूंगफली खाने से भी कोनो का पेट भरता है? गांव के लोग तो भर पेट खाने के बाद भी मूंगफली चबा जात करे बिटवा। हाँ हिमानी बेटी, तेरी दादी सही कह रही है, गांव के लोगों की खुराक हम से कई ज्यादा होती है। उनकी बातें चल ही रही थी तभी वहाँ से गुजर रही गांव में रहने वाली गुंजन की बेटी लाल टोकरी में घास लेकर जा रही थी, तो वो हिमानी की दादी को आवाज लगा कर कहती है, अम्मा बाग से ताजा ताजा अमरूद तोड़ कर लाई हूँ, चाहिए तो कहो। अमरूद? अरे कहाँ है अमरूद, तेरी टोकरी में तो घास ही दिखत है। अम्मा अमरूद घास के नीचे है, अभी दिखाती हूँ। इतना कहकर लाली टोकरी से घास हटाती है और दो तीन अमरूद निकाल कर सभी को खाने को देती है। ताजे अमरूद खाकर हिमानी कहती है, ये अमरूद तो ताजे के साथ साथ मीठे भी हैं। दादी अपने गांव में अमरूद के बाग भी हैं, आपने कभी बताया नहीं। अरे बिटिया, हमारे गांव में अमरूद क्या, बहुत से फलों के बगीचे हैं। जब तक गांव में है ताजे फलों को खाने का मजा ले। पापा क्या मैं भी अमरूद के बाग देख सकती हूँ? हाँ हाँ हिमानी बेटी, क्यों नहीं, देखी नहीं बल्कि तोड़ भी सकती हो। हाँ और का, एक काम करियो, कल लाली के साथ अमरूद के बाग में चली जाइयो, थोड़े अमरूद तोड़वाने में मदद भी कर दियो और जितनी मर्जी उतने अमरूद खा लियो। हाँ तुम कल मेरे साथ चलना, इतने सारे अमरूद के पेड़ देखकर तुम चौंक जाओगी। अच्छा अम्मा अब मैं चलती हूँ। अरे ललिया कहाँ चली, बैठ ना थोड़ी देर। ना अम्मा ना, वैसे ही बहुत देर हो गई है, अभी घर नहीं पहुँची तो माँ मुझे ढूंढने के लिए पूरे गांव का चक्कर लगा लेंगी, इसलिए जाना पड़ेगा। इतना कहकर लाली अपने घर के रास्ते चली जाती है तो वही हिमानी मजे से अमरूद खाती है। अगली सुबह हिमानी देर तक सो रही थी तभी लाली उसके पास आती है और अपने दुपट्टे से जोर की हवा करके उसे जगाने लगती है। तभी हिमानी कांपती हुई उठती है और कहती है, अरे तुम हो क्या, मुझे क्यों जगा रही हो? अरे तुम शहर वालों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है क्या, बताओ ये तो रात गई बात गई वाले हाल कर दिया तुमने। साफ साफ बात करो ना, बातों को यूँ जलेबी क्यों बना रही हो? अरे तुमने कल अमरूद के बाग देखने की बात कही थी ना। हाँ मुझे याद है, लेकिन सुबह सुबह ही चलना है क्या? सुबह नहीं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, अभी भी उठना है कि नहीं? हाँ हाँ तुम बाहर जाओ, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर हिमानी फ्रेश होने चली जाती है और कुछ देर बाद टोकरी लेकर लाली के साथ अमरूद के बाग की तरफ जाती है। बाग में पहुँचते ही अमरूदों से लदे पेड़ों को देखकर उसकी आंखें चमक जाती है और वो कहती है, इतने सारे अमरूद पहली बार एक साथ देख रही हूँ, ये अमरूदों से भरे पेड़ कितने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। सुंदर? तुमको तो सब कुछ ही सुंदर लगता है, चलो अब इन अमरूदों को तोड़कर ये टोकरा भी तो भरना है। इतना कहकर दोनों अमरूद तोड़ने लगते हैं, लेकिन 5 अमरूद तोड़ने के बाद हिमानी पेड़ पर चढ़कर एक मोटी सी डाल पर बैठकर अमरूद खाने लगती है। ये देखकर अमरूद तोड़ने की मेहनत कर रही लाली उसकी तरफ एक अमरूद फेंक कर कहती है, यार तुम तो अमरूद इकट्ठा करने की जगह खाने बैठ गई, मतलब फ्री के अमरूद बड़े भा रहे हैं तुम्हें। क्या करूं, मुझे अमरूद इतने अच्छे लग रहे हैं कि बस मन करता है खाती जाऊं। और अमरूद तो पेट के लिए बहुत अच्छा फल है, इसे खाने का कोई नुकसान भी नहीं। हाँ तो क्या खाती ही रहोगी। अच्छा तुम्हारे बगल में एक बड़ा अमरूद है, वो तोड़ कर देना जरा, और ध्यान से हाथ पहुँचे तो ही तोड़ना। हाँ हाँ अभी देती हूँ। इतना कहकर हिमानी पेड़ की डाल पर बैठे बैठे ही उस अमरूद को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसी चक्कर में वो डाल से गिर जाती है। उसे पेड़ से गिरता देखकर लाली अपनी आंखें बंद कर लेती है और हिमानी भी चिल्लाने लगती है। तभी सुंदर नाम का एक लड़का आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसे जमीन पर गिरने से बचा लेता है। तभी वो गहरी सांस लेते हुए कहती है, तुम कहाँ से टपके,
टपक का ढेर तो अभी तुम हो जाती अगर मैं तुम्हें ना बचाता नहीं तो। वैसे अमरूद खाने के लिए पेड़ के अलावा कोई और जगह नहीं मिली तुम्हें बैठने के लिए। तभी वो उसे नीचे उतारता है और हिमानी को ठीक देखकर लाली भागकर उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम ठीक हो ना सुंदर भैया? आपने हिमानी को बचाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर, वो तो लड़कियाँ होती है ना। कोई नहीं, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है सुंदर। तुम्हें भी अमरूद चाहिए खाने के लिए? बिल्कुल, तुम्हें बचाने का मेहनता तो लूंगा ही। इतना कहकर सुंदर अपनी शर्ट उतारकर और टोकरी के कुछ अमरूद शर्ट में भरकर चला जाता है और हिमानी उसे देखती रह जाती है। कुछ देर में वो अमरूद खाते हुए लाली के साथ घर लौट आती है। अगले दिन हिमानी अमरूद के बाग में फिर से जाती है और वहाँ से दो अमरूद तोड़कर इधर उधर देखने लगती है तो पेड़ के पीछे छुपा सुंदर उसके सामने आकर कहता है, तो गांव में नया अमरूद चोर आया है। ए, मुझे चोर मत कहो, मैंने ये अमरूद खाने के लिए तोड़े हैं। अच्छा, तो दोनों अमरूद तुम अकेले खाने वाली हो क्या? नहीं, तुम चाहो तो एक ले सकते हो, ये लो। इतना कहकर हिमानी उसे अमरूद पकड़ा देती है और दोनों अमरूद खाते हुए बातें करने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता है, दोनों के बीच में बातें बढ़ने लगती है। हिमानी अमरूद खाने के बहाने बाग में जाती और सुंदर से मिला करती। एक रोज वो अमरूद खाते हुए घर आती है तो उसके पिता उसे टोकते हुए कहते हैं, हिमानी बेटा, तू हमेशा अमरूद खाती रहती है, कभी खाना भी खा लिया कर। वो गाँव के अमरूद है ही इतने अच्छे कि अब तो अमरूद ही मेरा फेवरेट फ्रूट हो गया है। दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी उसकी दादी बाजार से वापस आती है और हिमानी से कहती है, अरे बिटिया, तो फिर अमरूद खा रही है? अरे थम जा, तू तो अमरूद की दीवानी हो गई है। कोई बात नहीं माँ, दो चार दिन और खाने दो, फिर तो ये यहाँ से चली ही जाएगी। हाँ ये भी है। चली जाऊंगी मतलब? हम शहर वापस जा रहे हैं पापा। हाँ बेटी, अगले हफ्ते की टिकट है, तुझे बताया तो था मैंने, ऑफिस के काम की वजह से कम ही दिनों की छुट्टियाँ मिली है, तो बस एक हफ्ते और गाँव में अमरूद खा ले, क्योंकि फिर शहर के अमरूद ही नसीब होंगे। ये बात सुनकर हिमानी अमरूद की तरफ देखती है तो उसे सुंदर का चेहरा याद आता है। इस तरह समय बीतता है और हिमानी के जाने का समय आ जाता है। रमेश और हिमानी सामान पैक कर स्टेशन के लिए निकलने वाले थे कि तभी लाली हिमानी को साइड में ले जाकर कहती है, ऐसे ही जा रही हो? कम से कम सुंदर भैया से आखिरी बार मिल तो लो। नहीं, मैं उससे क्या कहूँगी लाली, कुछ ही दिनों में अमरूद के जरिए वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है, लेकिन अब मेरे ही वापस लौटने का समय आ गया है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। हिमानी इतना कहकर अपने पापा के साथ स्टेशन जाने के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में हाथ में एक पोटली लिए सुंदर उसे मिल जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मुझे मिले बिना ही जा रही थी तुम, अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकती तुम। तुम ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये उपहार लाया हूँ। इतना कहकर सुंदर उसे पोटली दे देता है जिसमें बहुत सारे अमरूद थे। ये देखकर उसके पिता रमेश कहते हैं, अमरूद लो बेटा, तुम्हारे गांव के दोस्तों ने तुम्हारी मनपसंद चीज ही तुम्हें उपहार में दी है। हाँ, अब जब भी मैं कभी अमरूद खाऊंगी तो मुझे हमेशा गांव और यहाँ के लोगों की याद आएगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तभी वो सुंदर को आखिरी अलविदा कहकर उसके दिए हुए अमरूद लेकर चली जाती है। चिंकी खाने की बहुत शौकीन थी, उसे जो कुछ खाने को मिलता वो खाने लग जाती। चिंकी को अलग अलग प्रकार का खाना खाना बहुत ही पसंद था। चिंकी अपने बेटे रोहित और बहू सिमरन के साथ रहा करती थी। वो अपनी बहू से रोज रोज नई नई तरीके की डिशेस बनवाती और खूब मजे से खाती। साथ ही चिंकी को अपनी सेहत का भी बिल्कुल ख्याल नहीं था। ऐसे ही एक सुबह चिंकी सिमरन से गुस्से में बोलती है, अरे बहू रानी, तेरी अभी सुबह नहीं हुई, यहाँ मैं भूख से मरी जा रही हूँ और तू है कि अभी तक सो रही है। सिमरन अपने कमरे से आंखें मसलते हुए आती है और बोलती है, माँ जी आप सुबह सुबह क्यों इतना चिल्ला रही हो? मैं चिल्ला रही हूँ, नासपिटी अगर बुरा लग रहा है तो खाना बना कर रख देती ना, सुनने के काम ही क्यों कर रही है। ठीक है माँ जी, बताइए क्या बनाना है आज? बना दे कुछ चटपटा सा, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लग रही है। रोज रोज इतना चटपटा और ज्यादा खाना खाओगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तू मेरी तबीयत का मत सोच, तुझे जितना बोला है उतना कर। माँ जी लेकिन मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ ना। तू चुप हो जा, बहुत बोल रही है, बड़ी आई मेरे भले का सोचने। मुझे यहाँ भूख लग रही है और तू है कि बकवास कर रही है, अब जा और कुछ बना के ला। सिमरन चिंकी के लिए उसकी पसंद का चटपटा सा खाना बना देती है और चिंकी
जल्दी से खाना खा लेती है, लेकिन उसका पूरा पेट नहीं भरता। और थोड़ी देर बाद चिंकी को दोबारा भूख लगने लगती है और वो फिर से सिमरन को खाना बनाने के लिए बोलने लगती है। ये देखकर उसका बेटा रोहित उससे कहता है, माँ तुमने अभी तो इतना सारा खाना खाया था और इतनी जल्दी फिर भूख लगने लगी। तेरी बीवी को खाना ना बनाना पड़े इसलिए तुम मुझे बोल रहा है, इतने से खाने से किसी का पेट थोड़ी भरता है। क्या बोल रही हो माँ, मैं क्यों उसकी सुनकर आपको बोलूँगा। माँ जी मैंने आपको सुबह ही कहा था कि इतना मत खाया करो। देख तू अपनी बीवी को देख, मेरे खाने पर नजर लगा रही है, एक तो थोड़ा सा खाना दिया ऊपर से इतना बोल रही है। माँ वो नजर नहीं लगा रही है, बस पूछ ही तो रही है, वो आपके ही भले के लिए बोल रही है। माँ जी आप इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हैं? अरे नासपिटी तुझे जरा सा काम क्या बोल दिया, तूने तो माँ बेटे में लड़ाई ही करवा दी। मुझे नहीं खाना कुछ भी, मैं जा रही हूँ बाहर टहलने। चिंकी गुस्से में बाहर चली जाती है और बाहर ही ठेले पर छोले भटूरे खा लेती है और घर वापस आकर किसी को कुछ नहीं बताती और गुस्से में सीधा अपने कमरे में चली जाती है। शाम होने पर रोहित और सिमरन चिंकी के कमरे में जाते हैं, जहां रोहित अपनी माँ से बोलता है, माँ आप अभी तक उसी बात को लेकर बैठी हो। तुझे क्या, तू जा अपनी बीवी के पास। माँ जी हमारा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हो। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ क्या मतलब था तेरा, मेरे लिए खाना ना बनाना पड़े इसलिए मेरे खाने पर नजर लगाती रहती है। अरे माँ बस करो, बाहर चलकर देखो सिमरन ने आपके लिए बिरयानी बनाई है। क्या बिरयानी बनाई है? हाँ माँ जी चलिए साथ में खाते हैं। मुझे नहीं खाना कुछ भी। माँ जी हमें माफ कर दो, अब वही बनेगा जो आप बोलोगी। चलो ना माँ जी खाना खाते हैं प्लीज। कोई बात नहीं माँ, आपको नहीं खानी तो हम खा लेते हैं, फिर बाद में मत बोलना कि पूछा नहीं। ठीक है तुम दोनों इतना ही बोल रहे हो तो खा लेती हूँ मैं, वरना तुम दोनों को तो मेरा गुस्सा पता ही है। हाँ माँ आप चलो खाते हैं। सभी मिलकर खाना खाने चले जाते हैं। ऐसे ही फिर चिंकी रोज सिमरन से कुछ ना कुछ बनवाती रहती। चिंकी की ये आदत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि फिर एक दिन चिंकी के पेट में दर्द होने लगता है, जिसके कारण वो रोहित और सिमरन के सामने रो रो कर बोलती है, बेटा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास लेकर चल। दर्द तो होना ही था, इतना ज्यादा खाना वो भी इतना ऑयली खाते हो आप। हाँ माँ इतना भी खाना खाना अच्छी बात नहीं होती। अब तुम दोनों मिलकर मुझसे बोलने लगे, ये नहीं दिख रहा माँ को दर्द हो रहा है। तुम्हें करना वही होता है माँ जो मना करें, फिर बाद में परेशानी होती है। हाँ और तू वही कर रहा है जो तुझे अभी नहीं करना चाहिए, अपनी माँ की गलती निकाल रहा है, वैसे इतना दर्द हो रहा है ऊपर से तू और शुरू हो गया। अच्छा ठीक है चलते हैं हॉस्पिटल। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों तू मुझे दर्द में ही मार देगी ताकि तुझे खाना ना बनाना पड़े। माँ जी मैं आपको गर्म पानी के साथ हाजमे की गोली देती हूँ, आप उससे ही ठीक हो जाएंगी। सिमरन अपनी सास को गर्म पानी के साथ गोली देती है, चिंकी गोली ले लेती है और उसका दर्द थोड़ा ठीक हो जाता है, जिसके कारण कुछ दिन तक चिंकी अपने खाने पर कंट्रोल करती है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो छुप छुप कर खाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद चिंकी के घर उसका भतीजा राजू से मिलने आता है और आकर बोलता है, चिंकी चाची एक प्रतियोगिता होने वाली है और देख के लगता है वो आपके लिए ही बनी हुई है, इसलिए मैं सीधा आपके पास आया हूँ बताने के लिए। अच्छा ऐसी क्या प्रतियोगिता है जो मेरे लिए ही बनी है? चाची जी ये प्रतियोगिता कोई ऐसी वैसी प्रतियोगिता नहीं है, इस प्रतियोगिता में आपको ढेर सारा खाना खाना है और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा खाना है। सही कहा तूने, ये प्रतियोगिता तो मेरे जैसों के लिए ही बनी है। हाँ तो चाची बताओ नाम लिखवा दूँ? पूछ क्यों रहा है, लिखवा दे, प्रतियोगिता के बहाने ढेर सारा खाना खाने को भी मिलेगा। राजू चिंकी का नाम लिखवा देता है और जब रोहित और सिमरन को पता चलता है तो रोहित सिमरन दोनों चिंकी से बोलते हैं, माँ आपको मना किया है ना इतना ज्यादा खाना खाने के लिए और आप उसकी प्रतियोगिता में जा रही हो। बेटा खाने की प्रतियोगिता है लेकिन खाना उसमें साफ और अच्छा होगा जिसमें हमें कोई नुकसान नहीं होगा। माँ जी खाना तो घर में भी साफ और अच्छा ही था ना, फिर क्यों आपका पेट दर्द होने लगा? अरे वो तो कभी कभी हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ आपके लिए क्यों बड़ी बात होगी, परेशान तो हम हुए थे ना। अच्छा मतलब मेरे लिए कुछ करना तेरे लिए परेशानी है? नहीं माँ जी आपके लिए कुछ करना हमारे लिए परेशानी नहीं है, बल्कि आपको परेशानी होगी तो हमें परेशानी है ना। माँ तुम बस खाना ठूसने के लिए प्रतियोगिता में जा रही हो, बस और कोई बात नहीं, खाना खाने ही तो जा रहे हो ना। माँ जी
वैसे भी आप इतना ज्यादा खाना खाती हो और ऊपर से अभी ये प्रतियोगिता, क्यों आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हो? हाँ माँ, सिमरन सही कह रही है, इसलिए माँ तुम प्रतियोगिता में नहीं जाओगी। हाँ माँ जी, रोहित ठीक बोल रहे हैं, आप प्रतियोगिता में नहीं जाओगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी नहीं जो मुझे मना करो। मैं तो जाऊंगी प्रतियोगिता में और जीतूंगी भी। चिंकी दोनों को ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर प्रतियोगिता का दिन आता है। प्रतियोगिता में चिंकी इतना ज्यादा खाना देखकर ठूस ठूस कर खा लेती है और कुछ देर बाद चक्कर खा कर गिर पड़ती है। रोहित और सिमरन चिंकी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर चिंकी को देखने के बाद डॉक्टर रोहित और सिमरन को बोलते हैं, तुम दोनों अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकते हो, इतना ज्यादा खाना किसने खाने दिया इनको? हम तो माँ को मना ही करते थे, लेकिन माँ ही नहीं सुनती किसी की। माँ को कितनी बार मना कर चुके हैं हम दोनों। ये किसी की नहीं सुनने की वजह से आज इस हालत में है। अब इनकी हालत बहुत खराब है। क्या हुआ माँ जी को? वो ठीक तो हो जाएंगी ना डॉक्टर साहब? ठीक तो हो जाएंगी, लेकिन हमें उनका इलाज करना पड़ेगा यहीं हॉस्पिटल में रखकर। ठीक है, आप कर दीजिए, लेकिन माँ को ठीक कर दो। पहले इलाज होने दो, फिर ही कुछ होगा, तभी पता चलेगा क्या हालत है। हाँ, आपको जो करना है करो, बस मेरी माँ जी को ठीक कर दो डॉक्टर साहब। चिंकी का इलाज लंबा चलता है और कुछ समय बाद वो ठीक हो जाती है। डॉक्टर उसे थोड़ा सा ही खाना खाने की सलाह देती है। डॉक्टर की बात सुनकर चिंकी रोने लगती है और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। वो रोहित और सिमरन से माफी मांगते हुए बोलने लगती है, बेटा मुझे माफ कर दो, तुम दोनों सही बोल रहे थे, मैं ही गलत थी और तुमको बोलने लगी थी। आज मेरे भुक्कड़पन की वजह से इतना कुछ हो गया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, जो हुआ जाने दो, अब आगे से ऐसा कोई काम मत करना जिससे खुद को और दूसरों को परेशान होना पड़े। सिमरन भी अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद चिंकी अपनी इतने ज्यादा खाना खाने की आदत को ठीक कर लेती है और बाद में तीनों अच्छे से रहने लगती है।